हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आटा अभी अभी लेके आया हूँ, वो अंदर रख दिया है और दाल हमारी ये तो गूंदा होया ना, जो चक्की से लेना था वो वाला। आपको पता है दाल रेडी हो गई है, ये रखी है। आगे तो ताला था, मेरे ख्याल में शहर चले गए हैं, अफसोस के लिए जा रहे थे। मैंने कहा जाके तो वैसे ना वो तो घर में भी नहीं था। इधर जो है ना मुर्गियाँ, तीन तीन मुर्गियाँ हैं, देसी मुर्गी है। हाँ, देसी नहीं है, देसी है, गोल उड़ाना है, गोल उड़ाना, एक गोल्डन है, दो देसी है। अच्छा अच्छा, इसको पता ज्यादा लगता है क्योंकि इसने मुर्गियाँ पहले रखी थी। हाँ, वो भी अंडे देने वाली जी। बच्चे निकालने वाली नहीं, बच्चे निकालने वाली रखी थी। कब रखी थी? जो बच्चे निकालती थी ना, कभी नहीं रखी थी आपने, आके उसको खा लेता था। तो फिर वह कैसे रखी थी? वो तो सांप खा गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भैया, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। जो हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, चलते इसी दौरान भी लोग की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह असर का बाद का टाइम हो चुका है, हम भी हाजिर हो चुके हैं। तो उम्मे हबीबा जो है ना अभी अभी उठ गई है। उम्मे हबीबा हाय, अभी ये खेल रही है, तो सारा रही है। अभी सुनाया है। हाँ जी अभी सुनाया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, घर बच्चे भी सब ठीक है, अब सब बहन भाई की दुआओं से। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, अच्छे अच्छे कॉमेंट करें, वीडियो फॉलो वॉच करनी है। तो अभी इंशाल्लाह हम जो है ना उम्मे हबीबा को सुला दिया है, तो ये जो है ना साथ में सब्जी रखी हुई है तो वो देख रही है। तो ये जो है ना मैं उठा लेती हूँ, इसमें आज बना रहे हैं हम मसर की दाल। ऐसे ना पहुंच गए किचन में तो रुखसाना ने उठा लिया है टमाटर मिर्ची, मेरे ख्याल में रेसिपी बनाना स्टार्ट कर रही है माशाल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बनाना शुरू करते रखते लाल टमाटर जी। चलो जी, इनको एक साइड पे रख दिया है, लहसुन अदरक धनिया एक साइड पे कर दिया है और मसर की दाल एक साइड पे रख दिया है। चले ले आओ बाहर किचन में, सिलेंडर तो है खत्म हो गया, चूल्हे पे नहीं बनेगी। तो सिलेंडर पे नहीं बनाएंगे, चूल्हे पे बनाएंगे। चूल्हा खत्म है, नहीं जलता। अच्छा, बाहर वाली चूल्हे पे बनाना है, चूल्हे पे। हाँ। आग जला दी है तो अभी जो है ना सालन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले पहले देगड़ा रखेंगे, इसमें पानी भी ऐड कर दिया है जी। पानी जो है ऐड हो चुका है, दाल को अच्छे तरीके से देख लेंगे ताकि इसमें कंकरी ना हो। कंक्रीट वो जो है ना ये चिट्टी चिट्टी दाल है, बहुत प्यारी दाल है। अच्छा, कमेंट में जरूर बताना ये कौन सी दाल है। ऐसा लगता है जैसे तेल होता है। तेल भी मोटे जैसे तेल। वो सफेद चने होते हैं उसकी तरह है। अभी इसको अच्छे तरीके से साफ करते हैं, देख के फिर जो है ना धो के इसको जो है ना बॉईल करते हैं। हाँ, इसको बॉईल करेंगे जब तक बॉईल होती रहेगी। हमारे मसाले जो है ना अभी रखे हैं, उसको काटना है तो मसाले वगैरह भी काट लेंगे, फिर जो है ना इंशाल्लाह ग्राउंड करेंगे। पहले इसको वॉश करते हैं। दाल जो है अच्छे तरीके से वॉश हो चुकी है। हाँ जी, वाह जी वाह, जबरदस्त। अभी इसको पानी, ये तो तकरीबन आधे घंटे बाद बॉयल। हाँ जी, ऐसे ना इंशाल्लाह जैसे मिसाल काटते हैं, मिसाले काटते फिर जो है ना इसको उतार लेंगे, ये बॉयल होता है। प्याज की हो रही है छिलाई, टमाटर की हो गई है कटाई, मिर्चों की हो गई है धुलाई, लहसुन अदरक की हो गई है कटाई, नहीं हुई कटाई करनी है। अच्छा, हाँ। हल्दी नहीं मिली। चलो जो चीज है बनते हैं, हल्दी है नहीं और क्या करो, हल्दी खुद दुकान तक खत्म थी की है, पता नहीं बच्चों ने कहा है। चलो ई में बना गिनसो, बगैर हल्दी वाली कैसे खाएंगे? तो फिर जाओ कहीं और दुकान से ले आओ। चलो देखते हैं, इधर तो नहीं मिली ना। रुखसाना जो है ना दाल में से मक्खन निकालना शुरू कर दिया है। हाँ जी, मक्खन अब जो है ना घी नहीं लेना पड़ेगा, घी नहीं लेना पड़ेगा, ये भी बच्चा तो भैया
इस दाल से मक्खन निकलता है। ये मैंने कहा मक्खन जो है इकट्ठा हो गया इसको निकाल दो, ये जो है ना गिर ना जाए फिर। हाँ। तो इसीलिए मक्खन निकाल के रख देते हैं, दाल बॉयल हो जाएगी फिर जो है इसमें भुनाई करेंगे। सही। हाँ जी। चले एक साइड पर रखना, बच्चे ना उठा के खा जाएं। ये आज जो है ना देखे मक्खन की तरह है ना दाल। हाँ। तो इसका मक्खन भी ज्यादा होता है। सही। हाँ। हमें पता नहीं थी काफी दिनों बाद ये दाल बनेगा, इसका मक्खन भी होता है। मक्खन भी होता है। ये रख दिया है, हल्दी आ चुकी है, नमक आ चुका है, मसाले सारे काट चुके हैं। हाँ, दाल बढ़क रही है। दाल बढ़क रही है। अच्छा, फिर से मक्खन उसका जो है ना निकालना है। नमक डब्बे में डाला जा रहा है। हाँ, हम आ चुके हैं बाहर, तो रुखसाना ने कहा काफी दिनों से नबीला राशिद के घर हम नहीं गए थे, तो उधर हम जा रहे हैं। इधर जो है ना मुर्गियाँ, तीन तीन मुर्गियाँ हैं, एक मुर्गा है, दो मुर्गी है, देसी मुर्गी है। हाँ, देसी नहीं है, देसी है, गोल उड़ाना है, गोल उड़ाना, एक गोल्डन है, दो देसी है। अच्छा अच्छा, इसको पता ज्यादा लगता है क्योंकि इसने मुर्गियाँ पहले रखी थी। हाँ वो भी अंडे देने वाली जी। बच्चे निकालने वाली नहीं। बच्चे निकालने वाली रखी थी, जो कब रखी थी, जो बच्चे निकालती थी ना, कभी नहीं रखी थी आपने, उसको खा लेता था। तो फिर वह कैसे रखी थी, वो तो सांप खा गया था, ताके उनको छोड़ दिया, और अंडे वाली दो लिया, तीन लिया था, वो भी खत्म हो गई। ये वाली बात तो मैं कह रहा था, ये मुर्गियाँ जो है ना अंडे वाली लेती थी। हाँ। और दूसरी नहीं रखी थी। हाँ। ऐसे है ना। हाँ, फिर क्या करें, आगे वो भी खड़ी है इधर गया ना, ये पक्का सहन है। फिर मैंने कहा इसको जो है ना मुर्गियाँ इस घर में कराएंगे। किस घर में, जहाँ रह रहे हैं वो पक्का घर है, बैठने की जगह नहीं है, दो तीन चार पाया सारी आती है, उधर मुर्गियाँ रखेगी। वो तो अभी गए ना, पहले जो रहते थे विलेज में। मुर्गियाँ रखेंगे हम जब अपना एक बीघा जमीन का लेंगे। हाँ, बाद में उसमें बड़ा खुला हवेल देंगे, बाद में मुर्गियाँ रखेंगे, और ये ऐसी ऐसी गद्दा रखेंगे और जानवर रखेंगे, फिर घास काटने जाएंगे, फिर रेड़ी होगी, गधा रेड़ के ऊपर चढ़ के फिर उसको चलाएंगे। पता है ये गधा घास के लिए रखी हुई है, क्योंकि इसको रेड़ी के साथ झुका के ना, फिर घास लाट के रेड़ी के ऊपर इसको झुकाओ, वो लगा पिटक, वो बच गई। नजदीक वाला घास नहीं मिलता, दूर दूर होता है, फिर गधा के चढ़ के जाना पड़ता है। फिर ये भी अच्छा है, गप्पे लगाते लगाते हम आ गए इधर। ये पानी है। पानी जो है इधर से निकल रहा है। हाँ। वैसे ताला लगा हुआ है तो पानी निकल रहा है। ये इस घर का घर कोई है, बड़े कोई नहीं है। ताला लग गया। वैसे ना हम आए थे, आगे तो ताला था, मेरे ख्याल में शहर चले गए हैं। हाँ। तो वो आएंगे फिर, वो तो शाम को आएंगे, शहर भी दूर है ना। अभी दूर है, पता किस टाइम गए हैं, किस टाइम के गए और किस टाइम आएंगे। आएंगे। ये वजह है, फिर हम भी थोड़ा सा दूर है ना, हमें पता तो नहीं चलेगा जो कभी कब आए हैं कब। अब तो हम नहीं आएंगे ना। हाँ। एक दफा हम आए हैं, फिर बार बार आएंगे क्या? नहीं, फिर अब हम आएंगे तकरीबन हफ्ते बाद। हाँ। रोज रोज कौन आता है, मौसम की बात है, मैं इसलिए जा रहे थे, हमने कहा वो भाई का जो है ना वो पार्स गिर गया था, उसमें काफी सामान था, अफसोस के लिए जा रहे थे। जाके तो वैसे ना वो तो घर में भी नहीं थे। वो तो घर में है भी नहीं। चले खैर, फिर अफसोस कर लेंगे, मिलेंगे रास्ते में। वैसे तो अफसोस किया था, आए थे सुबह हमारे घर, तो हमारे घर से आए हैं, उसके घर में जाने का वो अच्छा होता है ना। हाँ, ये तो सही वो है। तो हमें पता भी नहीं था, हम उस टाइम तैयारी कर रहे थे, तो वो आ गए थे हमारे घर से। तो फिर आपने पूछ लिया है, मुझे भी पता नहीं था इस बात का, तो आपने, मैंने आज वीडियो देख रखा हुआ था, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमारा घर खाली हो गया है। अच्छा। तो फिर मुझे ऐसे समझ आई कि कल का कोई नुकसान होगा। कल अल्ताफ भाई वाले भी आए थे ना, उन्होंने भी बताया था कि उनका बड़ा नुकसान हुआ है, तो मुझे पता लगा, मैंने कहा चलो चलते हैं आज। चलो खैर, अल्लाह पाक पूरा ही कर देगा, दुआ करते हैं। बहुत बड़ा वो तो आपको पता है, नुकसान जो होता है ना इंसान का बोझ। चलो पैसे की कोई बात नहीं, उनके जो काम वाले चीजें है ना वो मिल जाए तो बहुत। काम की ढेर चीजें होती है ना पार्स में, पूरा पार्स गिर गया, पार्स जैसे बंद था वैसे गिर गया। फाइनली घर पहुंच चुके हैं, दाल हमारी जो है बॉयल हो चुकी है। अब इसको जो है ना उतार लेंगे, मूंद लेंगे पानी से, इसको साफ सुथरा कर लेंगे, इसकी जो झाग वगैरह होती है वो धुल जाएगी,
फिर जो है ना बनाना शुरू करते हैं। दाल को वाच कर लिया माशाल्लाह, अभी जो है ना थाल में निकाली जा रही है। वाह जी वाह, जबरदस्त दाल, जबरदस्त दाल, ठीक हो गया जी। उम्मा हबीबा रो रही है, ये मेरी प्याली आ गई है ना, वो जो कहवा बना रखा है ना वो पा के ले आओ। क्या करोगी? मामा का दाल खाऊंगा। चलो जी तेरा दाल खाओ सा। मेरा दाल ना खाओ, ये आपके लिए बन रही है। ये सब के लिए दाल है, उसकी नवेकली थोड़ी है। वो कहती है रोज जो अम्मी दाल बनाती है ना वो मैं खाऊंगी। अच्छा अच्छा, ये सब खाएंगे? पता नहीं है, जैसे सब आज दाल खाएंगे ऐसे। अम्मी ये जो है ना कावा है, ये मेरा काढ़ा है, ये है ना कहवा बनाया है, सांप बंद हो रहा है मेरा, इसीलिए देसी कहवा बना के ले आए हैं मेरे लिए। ऐसे लगता है, ये देखो सरसों का तेल है, तेल नहीं है। हाँ। जैसे लगता है वो ये काला रंग है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह दाल जो है ना हमने निकाल दिया है देगची से बाहर, अभी जो इंशाल्लाह देगची रखते हैं चूल्हे के ऊपर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो घी ऐड करेंगे। घी हमारा जो है ना आ गया है, अभी इंशाल्लाह घी ऐड करते हैं देगची में, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। घी मैंने ऐड कर दिया है, अभी ये गर्म हो जाएगा, फिर जो है ना हम मसाले ऐड करेंगे। भैया बुशरा नमक वाला डब्बा मुझे उठा के दे, मुझे दो, इसका ढकना कहाँ है? ये रखा है, चले उधर बैठ जाओ, पानी कहाँ है? पानी नहीं ले आई, पानी ले आओ, मुगर उधर आके वापस आ गया, आप आएगा मुगर इधर पानी लेके क्या? चल मुगर ले आओ पानी। अभी घी हमारा जो है ना गर्म होने वाला है, हम जो है ना प्याज ऐड करते हैं पहले, मसाले जो है जैसे साफ से कटे हुए होता है ना छुरी वाला है, तो वो डाल दो। प्याज मैंने ऐड कर दिया, इसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे, मैश करने के बाद जो है ना और मसाले ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमारा बना रखा है, वो भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे जो है ना अच्छे खासे ब्राउन हो चुके हैं, अभी जो हम हरी मिर्चें और टमाटर ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हरी मिर्चें और टमाटर मैंने ऐड कर दिए, इसको अच्छे तरीके से मैश करते हैं। आज जो है ना हम देगची चढ़ाइए, क्योंकि ना ही हम पतीला चढ़ाए ना कढ़ाई चढ़ाइए, क्योंकि ये जो है ना लकड़ी की आग से जो है ना वो ज़्यादा काले हो जाते हैं तो धोए नहीं जाते, इसीलिए जो हम देगची चढ़ाया है लकड़ी की आग जल रही है और लकड़ी वाला चूल्हा है, तो इसीलिए जो है ना हम देगची में सालन बना रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लकड़ी की आग की जो है ना रेसिपी बहुत प्यारी बनती है। अभी इंशाल्लाह इसको मैश कर दिया है, तो ये जो है ना हम सारे इसको ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये जो है ना नमक, ये हल्दी, ये है लाल मिर्ची, सूखे मिसाले मैंने ऐड कर दिया है, अभी इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करते हैं। ब्राउन करने के बाद जो है ना हम दाल ऐड करेंगे। माशाल्लाह जी लहसुन अदरक का जो पेस्ट जो है ना वो बन चुका है, अभी ऐड हो रहा है। ऐड कर दिया, इसको अच्छे तरीके से बिरोड़ करेंगे, बिरोड़ करके बाद में जो है ना दाल ऐड करेंगे जी। ये देखो मसाला,
मिसाल है कि ग्रेवी ऐसी गाल नहीं है ना, ऐसी गाल नहीं है ना, बिल्कुल वो गाल जाए टमाटर। इंशाल्लाह गाल जाए। हाँ ये टमाटर पूरे पूरे बदे हैं। किधर भाग जाएंगे? पप्पा बन जाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है आपका कैप। थोड़ा सा ऊपर करो। ये अयूब वाला है? हाँ जी। कैसी लग रही हूँ? आप तो बिल्कुल प्यारी लग रही हो। नहीं तो मैं जल्दी बात कर रही हूँ। अच्छा आप ये प्यारी लग रही है? आप प्यारी लग रही है। हाँ। माशाल्लाह अल्लाह पाक नजरे बात से बचाए। मुश्रा कहती है सुमैया जो है ना वो अच्छी नहीं है, माया बहुत खूबसूरत है। अच्छा हाँ जी। अभी सलाम तो कर दो आंटी अंकल को। सुमैया आ जाओ सलाम करो। देगची का ताल निकालती हो क्या? घमटा लगा रही हो तो इसको गिरो नहीं करना, फिर वो घोटना ले आओ। ले आओ आप, मैं कहाँ से जाऊँ? बाजार से। बाजार से मैं अभी जाऊँ क्या? नहीं कल से तो मैं जाती हूँ ले आती हूँ। कल परसों गए थे, आपको याद नहीं था? कौन सा मैं साग बनाया था फिर याद होता मुझे? दाल तो बनाती थी ना। दाल तो अभी बनाया है अपने लिए जो रोज बनाती हूँ। मैं तो वो थोड़ी सी बनाती हूँ, चमचा लगा के उसको उतार देती हूँ। हाँ। गुजारा हो रहा है? गुजारा हो रहा है बगैर घोटने के। हाँ। सही है। तो फिर मैं किस लिए भागू? फिर तो लेना भी नहीं है, गुजारा हो रहा है। हाँ, जब साग बनाएंगे फिर ले आएंगे। साग होगा तो लोग उन्हें छट्टा नहीं है अभी तक। इधर साग होए हुए आप लिया जो नहीं कहीं से। कहीं से क्या जाओ तो पता ही। अपने घर भिट्टे तो साफ कर लो। ये क्या है ऊपर क्या लगाया हुआ है देखो? मेरे ख्याल में ये मक्खन जो था वो खाया है तो उतने तक जाके लग गया है। ऐसे बच्चों की तरह खाया है मैंने। हाँ। मक्खन के साथ तो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना। अच्छा दाल वाली। हाँ जी सही है। अभी जो है ना मिसाल हमारे मास्टर अभी रोन हो चुके हैं, देखिए आपको नजर आ रही है ना। आपको कैसी लगी है मेरी दाल? ऐसी लगती है मुझे तो जैसे चावल होते हैं, ऐसे लगती है ना। दूसरा सुमैया आपको कैसी लगी है? आप चावलों की याद गाढ़े आती है। हम खाते तो नहीं। फिर क्या? बच्चे बच्चे बच्चे। हाँ बच्चे को तो हर टाइम चावलों की याद आती है। वो तो अभी भी कह रहे थे, देखा था चावल दाल को तो वो कहते हैं चावल लेके आ गए हैं इतने सारे। इतने सारे ये पूरे नहीं होंगे, ये तो थोड़े हैं। ओह माशाल्लाह दाल मसर तैयार हो गया। तैयार हो गया अभी धनिया ऐड कर। माशाल्लाह जी दाल मसर बिस्मिल्लाह। धनिया जो है ऐड कर दिया है, अब देखना कैसी लगती है दाल मसर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी जो है माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अभी उसको उतार के रख दिया है। तो आटा हमारा जो है ना थोड़ा सा रखा था वो हाजरा गूंद के रख दिया है। तो और आटा जो है ना सुबह चक्की पे जो है ना गंदम डाल के खान साहब आया था, अभी जो है ना मैंने कहा वो ले आओ क्योंकि सुबह जो है ना बच्चों का नाश्ता बनाना होता है सब खुल जाने के लिए, तो वो सुबह सुबह तो नहीं दुकानें खुलती ना, तो इसलिए वो चला गया आटा लेने के लिए। इंशाल्लाह आटा लेके आता है। तो अभी हमारा आटा जो है ना वो गूंधा रखा है अभी बनाने के लिए, वो इंशाल्लाह हम बनाते हैं रोटी आपसे शेयर करते हैं। तो अभी इंशाल्लाह जल्दी से खाना वगैरह बच्चों को खिला के फिर जो है ना हम जाएँगे फंक्शन पे। तो माशाल्लाह उधर आपको पता है कितनी रौनक मेले होते हैं। इंशाल्लाह आप वीडियो फुल वॉच की करो, वीडियो हमारी जो है ना नहीं देख रहे हैं आप, आपको अच्छी नहीं लगती तो फिर जो है ना कॉमेंट करके अच्छे अच्छे कॉमेंट किया करो और उर्दू में किया करो जो हमें भी पता चल जाए जो कौन से कॉमेंट करते हैं। तो आपको अच्छी लगे तो फिर बताएँ, ना लगे तो फिर बताएँ जो हम वीडियो बनाएँ कि ना बनाएँ। तो इसलिए जो है ना हम आपको बता रहे थे, तो आप जो है ना हमें ज़रूर
कमेंट करके बताना है। आटा अभी अभी लेके आया हूँ, वो अंदर रख दिया है और दाल हमारी ये तो गूंदा होया ना, जो चक्की से लेना था वो वाला। आपको पता है दाल रेडी हो गई है, ये रखी है। कैसी लगी आपको दाल मसर? बहुत अच्छी लगी है आज। इसको दाल मसर अच्छी लगती है। अभी तो खाया नहीं, कैसे पता है आपको? अभी दूध लेने का टाइम भी हो गया है। आज बनाएंगे? हाँ। अभी तो मगरब का बाद का टाइम हो चुका है, तो आप सेवा कब ले आएंगे, कब बनाएंगे? अभी तो रोटी बन रही है। अभी रोटी बन रही है। हाँ। मैं जाऊँ सेवा ले आऊँ? हाँ। ठीक है, दूध लेने जाऊँगा फिर आपके लिए सेवा भी लेके आऊँगा। ठीक हो गया? हाँ। अभी खुश हो गई हो? हाँ। आगे मेरी मर्जी में ले आऊँ या ना ले आऊँ, ठीक है? नहीं, आपने लेके देना है सेविया। वो काल बनाएंगे। सही है ना? ये दाल मसर जो ले आया हूँ अच्छी अच्छी, ये कौन खाएगा? ये अबू ने खाया। अबू खाएगा? वो सारी मैं खाऊंगा। और कोई नहीं खाएगा? चले ठीक है, ये आप ले आए तो आप खानी है। मैं दुकानदार को कहूंगा आज जो है ना आपके पास सेवा खत्म हो गई है, ठीक है? उसने नहीं देनी। नहीं, मैं खाना है। खाना है? आज मूड है आपका? असल में मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि वो जो काल मीन ने बनाया था ना, क्या वो क्या लेके आई थी? नूडल। नूडल, नूडल वाली वो कह रही है। नूडल आ गया है ना? अच्छा अच्छा, नूडल ले आओ। हाँ, वो अच्छी लगती है इसीलिए। नूडल वाली दुकान तो बंद थी अभी अभी, है ना अयूब? हाँ, अयूब अयूब से पूछो, बंद थी ना? हाँ। बस हजार रुपए का मिलता है, इसको सस्ते देते हैं। जो लेने वाले हैं तो उनको पता होता है कितने का मिलता है। आप तो बस खाने वाली हो ना? हाँ। अभी दाल खा लेना, ठीक है? अभी मक्खी अंधेरा हो गया तो फिर देखे। मक्खियाँ सैर कर रही है, लड़ाई कर रही है। अच्छा, लड़ाई कर रही है। मक्खियाँ लड़ाई कर रही है। आप एक साथ मक्खियाँ लड़ाई कर रही है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी जो है ना अच्छी खासी बन चुकी है, तो अभी जो है ना मैं देना स्टार्ट करती हूँ बच्चों को खाना। तो ये जो है ना हाजरा रोटी बनाती है इंशाल्लाह, तो आपसे शेयर करते हैं। सब बच्चे बैठे हैं खाने के लिए, सबको बुलाते हैं। तो अभी आप जो है ना फातिमा बर्तन ले आओ, सब इकट्ठे करो, उधर बैठ के मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ। तो ये जो है ना आटा हाजरा बनाएगी। अभी आपका अबू चला गया दूध लेने के लिए। नहीं, कहता है। अच्छा, वो चला गया ना दूध लेने के लिए। हाँ। तो फिर वो दुकान खुली होगी तो वो ले आएगा, फिर बनाएंगे, ठीक है? आप जब तक खाना खाओ। हाँ, अब वो जहाँ पे होगा वो दुकान कह रहे थे बंद है, वो खुली होगी तो फिर ले आएंगे। हाँ, यूट्यूब अल्हम्दुलिल्लाह रोटी जो है ना हमारी आ चुकी है। अभी जो है ना बच्चों को देते हैं खाना। ये देखो, मैं सभी में डाल दिया है इनको। अभी देखते हैं सारे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब देखें हमारी दाल रोटी कैसी लग रही है। ये लो सुमैया, चलो ये खा लो फिर, और ले लेना ये वाली ले लो। चले चलो, अभी जान के लिए मैं दाल बैठ गई। अभी जो है अभी जान के अल्हम्दुलिल्लाह अंदर रूम में पहुंच गए हैं। बुशरा जो है ना उम्मे हबीबा को उठा के बैठ गई है। अभी जो है ना वो खिला रही है इसको। बाहर जो है ना हम नहीं बैठे क्योंकि मच्छर थे। अच्छा, हबीबा को भूख लगी है। चलो इसको भूख, ठीक है, अभी इसको दूध देते हैं।
अभी इंशाल्लाह आपको जो है सुनाते हैं नात। आप जो है ना नात गौर से सुनी है हमारी, काफी दिन हो गए हम आपको नात नहीं सुनाई, तो अभी जो है ना इंशाल्लाह आपको नात सुनाती हूँ। तो इंशाल्लाह तो जी खाना वगैरह जो हमने खा लिया है, अभी जो है ना मैं नात सुनाती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग को मेरी नात अच्छी लगेगी, आप लोगों ने हमारी वीडियो जरूर देखनी है, एंड तक देखनी है, और अच्छे से कमर्स करने हैं, वीडियो फुल वॉच करनी है। अभी जो मैं आप लोग को नात सुनाती हूँ, जिसकी हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कला में इलाही दिया, जिसने लाकर कला में इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पल पल के सल्ले आला, फूल खिलते हैं पल पल के सल्ले आला, झूम कर कह रही है ये बाद सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुनों में कहाँ, जो जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कला में इलाही दिया, जिसने लाकर कला में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और वो जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने माना के जन्नत बहुत है हसी, छोड़ ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ ना तेरा तैबा गवारा नहीं। सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, सुभान, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। सुभान, हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह प्यारे बहन भाई, ये नात जो है ना फातिमा आपको सुनाई है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको नात कैसी लगी है। सुभान अल्लाह, सब ने पढ़ना है। तो ये जो है ना माशाल्लाह प्यारी नात सुनाई है आज, जो है ना जब से ये बड़ी हुई है पहली बार इन्होंने नात सुनाई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी। तो जी नात जो है ना मैंने आप लोग को सुना दी है, आप जो है ना मैं अलिफ लाम मीम से पढ़ा रही सूरत, आप लोग ने जरूर सुनी है और सुभान जरूर कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमान मीम, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلح من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سبحان الله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يؤمنون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون إلا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذ قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء إلا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بالله فإذا خلوا إلا شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يا مهون तो जी मैंने जी आप लोग को सूरत सुना दिया पूरी नहीं सुनाई क्योंकि इतनी बड़ी है फिर जी आप लोग को सूरत सुनाया माशाल्लाह अभी तो मैंने तो अभी पहले सिपारा सुनाया वैसे मेरा है 30वां सिपारा आप सब बहन भाई दुआ करनी है फातिमा के लिए क्योंकि ये जो है ना कुरान मजीद खत्म करने वाली है सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है फातिमा के लिए आप सब दुआ करनी है अल्लाह पाक इनको कामयाब करे आगे भी अल्लाह पाक इनको मजीद पढ़ने की तौफीक दे अल्लाह पाक जी आमीन तो जी सुबह जाना मैं 30 पर खत्म हो जाएगा फिर जो जब फुर्सत होगी वो जाना हमारा जो कुरान मजीद खत्म होगा आप लोगों ने वीडियो जरूर देखनी है इंतजार करना है कि कब मेरी खत्म होता है कुरान मजीद खत्म होने का तो आप लोगों ने जरूर कमेंट्स करना है और आमीन जरूर कहना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जब तक फातिमा का कुरान मजीद इंशाल्लाह खत्म होगा अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमें फुर्सत देगा मैं इनकी कुरान मजीद की खत्म खानी कोर करूंगी इंशाल्लाह अपने घर पे जो है ना खत्म शरीफ पढ़वाऊंगी और बाजी को भी बुलवाऊंगी और जो है ना सब इधर के बैठ के सब इधर अपना जो है ना खत्म शरीफ करेंगे और खुशियां मनाएंगे इंशाल्लाह सब बहन भाई दुआ करनी है फातिमा के लिए और बच्चे के लिए भी दुआ करनी है सब माशाल्लाह पढ़ रहे हैं क्योंकि कोई पहला सिपारा पढ़ रहा है कोई दूसरा पढ़ रहा है कोई तीसरा पढ़ रहा है फातिमा जो है ना माशाल्लाह जल्द इन्होंने कुरान मजीद अपना ख़त्म कर लिया है माशाल्लाह बस इसका आखिरी सूरत है जो इंशाल्लाह कल इनकी ख़त्म हो जाएगी जी जो बहन भाई बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे जो जिनके जो अस्पतालों में है घरों में है बीमार है उनको आमीन बरकत अता फरमाए आमीन जिनके बच्चे पढ़ाई करें उनके बच्चों के पढ़ाई में इजाफा फरमावे आमीन जिनके औलाद नहीं रहता अल्लाह उनको नेक सारे औलाद दे आमीन। तो मैंने आप लोगों के लिए दुआ किया आप लोगों ने जरूर मेरी देखनी है आमीन सबको अल्लाह तआला शिफा दे जो बीमार है घरों में अस्पतालों में है आमीन। जिनके औलाद नहीं रहता उनसे औलाद दे आमीन।